ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं। अब ये शिवाजी का जन्म परिचय, इनके माता पिता का नाम और इनके दादा का नाम, इनसे संबंधित बात हुई हमारी। अब आगे सबसे पहले जो इनका सैन्य अभियान चालू हुआ वो हुआ बीजापुर के विरुद्ध सैन्य अभियान। फर्स्ट पॉइंट हमारा बीजापुर के विरुद्ध सैन्य अभियान। ये फर्स्ट पॉइंट है। उस समय बीजापुर का जो सुल्तान था वो था आदिल शाह मुहम्मद आदिल शाह। ये हमें नोट करना है, लिखना है। ये बीजापुर का सुल्तान था मुहम्मद आदिल शाह। इसके बारे में बात कर लेते हैं। आदिल शाह के बारे में, शिवाजी ने अपने जीवन काल के प्रारंभिक सैन्य अभियान बीजापुर राज्य के विरुद्ध किए। इस समय बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह लंबी बीमारी के बाद मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था, यानी बीमार था मोहम्मद आदिल शाह, और लंबी बीमारी के बाद यह मृत्यु के करीब था। और राज्य जो इसका था अस्त व्यस्त था, क्योंकि राज्य संभाल नहीं पा रहा था आदिल शाह, तो बीजापुर का जो राज्य था वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा था। लंबी बीमारी के बाद 1646 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी द्वीप पर अपना कब्जा कर लिया। कब किया था? 1646 में, नोट कर लो, 1646 ईस्वी, तोरण दुर्ग जो कि बीजापुर में स्थित है, तोरण दुर्ग पर कब्जा। मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो हमें, मैं तुम्हें नोट करवा रहा हूँ इस पे बोर्ड पे। बीजापुर के विरुद्ध सैन्य अभियान, बीजापुर का सुल्तान था महमूद आदिल शाह जो कि लंबी बीमारी के बाद मृत्युशैया पे पड़ा हुआ था, यानी मरने के करीब था, और उसका जो शासन था वो अस्त व्यस्त था। तो उसके बाद में 1646 ईस्वी में तोरण दुर्ग पर शिवाजी ने अपना कब्जा कर लिया। इस किले में उनको 200,000 खून का खजाना मिला। शिवाजी ने इस धन से अपनी सेना का विस्तार किया और तोरण किले से 5 मील पूर्व में मुरमगढ़ के सख्त विशिष्ट दुर्ग को नया रूप देकर उसे राजगढ़ नाम दिया। ये भी नोट कर लो, यहाँ से तोरण से 5 मील दूर, तोरण दुर्ग से 5 मील दूर मुरमगढ़, उसका क्या नाम था? मुरमगढ़। इसको नया नाम दे दिया शिवाजी ने, राजगढ़। शिवाजी को धन मिला था तोरण दुर्ग से 200,000 खून। उस समय जो वहाँ की जो मुद्रा थी, जो रुपया था, वो हून कहलाता था। तो 200,000 हून शिवाजी को वहाँ से प्राप्त हुए। तो शिवाजी ने तोरण दुर्ग पे कब्जा कर ही लिया था, तो तोरण दुर्ग से 5 मील दूर मुरमगढ़ दुर्ग जो था उसका वापस पुनर्निर्माण करवाया, उस किले को सही करवाया, और उस किले को सही करवा के उसने, शिवाजी ने उसको नया नाम दे दिया, जिसका नाम क्या हुआ था? राजगढ़। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब शिवाजी द्वारा बीजापुर के प्रमुख मंत्रियों को घूस यानी रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लेने और अपनी कमजोर स्थिति के कारण बीजापुर सुल्तान शिवाजी के विरुद्ध इस समय कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। ये एक ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि जो मोहम्मद आदिल शाह था वो बीमार चल रहा था और इसके मुख्य जो मंत्री थे उसको शिवाजी ने घूस दे दी यानी रिश्वत दे दी, तो वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए और मोहम्मद आदिल शाह भी शिवाजी पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से सुल्तान आदिल शाह भयभीत हो गया, यहाँ तक कि बीजापुर का कोई भी सेनापति शिवाजी के विरुद्ध अभियान के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में अफजल खान नामक सेनापति ने यह कहते हुए बीड़ा उठाया कि मैं अपने घोड़े से उतरे बिना शिवाजी को बंदी बनाकर ले आऊँगा। अंत में अफजल खान, ये याद रखना, शिवाजी के विरुद्ध कौन गया? शिवाजी के विरुद्ध जाने वाला पहला व्यक्ति जो था मोहम्मद आदिल शाह की तरफ से, उसका नाम था अफजल खान, ठीक है, ये गया था शिवाजी के विरुद्ध। उसने क्या कहा था? उसने कथन कहा था कि मैं घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी को गिरफ्तार कर लूँगा या पकड़कर आपके सामने पेश कर दूँगा। 1619
1759 में अफजल खां एक बड़ी फौज लेकर शिवाजी के विरुद्ध रवाना हुआ। अब अफजल खां कब गया? 1659 ईस्वी में अफजल खां ने अपना अभियान शुरू किया। ये बीजापुर के विरुद्ध अभियान की बातें कर रहे हैं हम। बड़ी फौज लेकर शिवाजी के विरुद्ध रवाना हुआ। अफजल खां ने छल का सहारा लेते हुए अपने दूत करसनजी भास्कर को भेजकर शिवाजी के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। शिवाजी ने अफजल खां के छिपे हुए मंतव्य को, यानी उसके अंदर क्या बात चल रही थी अफजल खां के अंदर, ये बात शिवाजी ने समझ ली। उनके दिमाग ने लगा दिया कि ये संधि प्रस्ताव क्यों रख रहा है, क्योंकि अब बात चल रही है, ये जो छल कपट की बात हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि एक तरफ संधि वार्ता में उलझा देना और दूसरी तरफ उन पर अचानक आक्रमण कर देना, शुरू से मुगलों की ये नीति रही है। लेकिन अब आगे जो बाद में हमारे इतिहास में शासक हुए, इन्होंने ये समझ लिया था कि मुगल है या जितने भी मुस्लिम शासक है, इन्होंने एक तरफ संधि वार्ता में उलझाया और दूसरी तरफ जो है इन्होंने अचानक हमला किया। तो ये चीज़ जो शिवाजी इस चीज़ को अफजल खां की इस बात को शिवाजी समझ चुके थे, ठीक है, और सावधानी के साथ वार्ता के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। निश्चित दिन शिवाजी वस्त्रों के नीचे कवच और लोहे की टोपी पहनकर अफजल खां से मिलने पहुँचे। बाएं हाथ में बाघनक और सीधी बाह में बिछुआ नामक तेज कटार छुपा रखे थे। उन्हें बाएं हाथ में बाघनक होता है, एक हाथ में पहनने का होता है भाई, यहाँ से यहाँ तक और आगे नुकीले होता है, एक तरफ से कटार ही होता है, हाथ में पहनने का पूरा लोहे का कवच टाइप होता है, और एक तरफ उन्होंने जो है बिछुआ नामक तेज कटार इन्होंने छिपा रखी थी शिवाजी ने। मुलाकात के दौरान अफजल खां ने शिवाजी को गले लगाते समय गर्दन दबोचकर तलवार से वध करने का प्रयास किया, किंतु ये शिवाजी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसी समय शिवाजी ने बाघनक का प्रयोग कर अफजल खां को मार डाला। अफजल खां के मरते ही इधर उधर जंगलों में छिपे हुए मराठा सैनिकों ने आक्रमण कर बीजापुरी सेना को खदेड़ दिया। इस घटना से शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अफजल खां के बाद भी बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के विरुद्ध अनेक अभियान भेजे, लेकिन बीजापुर के सुल्तान को उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बात हम चल रही थी बीजापुर का विरुद्ध, हमने बात करी बीजापुर के विरुद्ध सैन्य अभियान शिवाजी के द्वारा। मोहम्मद आदिल शाह जो कि लंबी बीमारी के बाद मृत्युशैया पे पड़ा था, उसके बाद में 1646 पे शिवाजी ने तोरण दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया, जहाँ से उनको 2 लाख ऊन प्राप्त हुए और तोरण दुर्ग से 5 मील दूर मुरमगढ़ दुर्ग को उन्होंने सही सुधराया, ठीक ठाक करवाया उसको, और उसका नया नाम रख दिया राजगढ़। उसके बाद में उन्होंने रिश्वत देकर इसके जितने भी वो थे सरदार थे, सैनिक थे, सेनापति थे, इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। अंत में एक बंदा, एक वीर अफजल खां, इन्होंने यश किया, कहा मैं शिवाजी के विरुद्ध अपना अभियान करूंगा। उसने कहा मैं घोड़े से उतरे बिना शिवाजी को पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा, और इसने फिर 1659 में अपना अभियान चालू किया। और उसने संधि वार्ता की, संधि वार्ता में ये बात हुई थी भाई हम संधि वार्ता के दौरान समझौता कर लेंगे, लेकिन शिवाजी जो है उसके मन की बात समझ चुके थे कि ये क्या करने वाला है, और शिवाजी अपनी पूरी तैयारी के साथ गए थे, और वार्ता के बाद में क्या घटना हुई ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कॉपी में। बीजापुर के विरुद्ध सैन्य अभियान के बारे में पूरी बातें, मोहम्मद आदिल शाह, अफजल खां, तोरण दुर्ग, मुरमगढ़, और उसका नया नाम रखा गया था राजगढ़, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके बाद में, अब आगे देखिए इसके बाद में थे शिवाजी और मुगल। बीजापुर वाला जो किस्सा ये खत्म होता है हमारा। अब बात आती है शिवाजी और मुगलों की। शिवाजी एवं मुगल, उस समय मुगल शासक कौन था? उस समय मुगल शासक था औरंगजेब। ये नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात, मुगल सम्राट कौन था उस समय? औरंगजेब। अब ये पहले घटनाएं पढ़ लेते हैं एक बार। औरंगजेब, शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति ने औरंगजेब को भी चिंतित कर दिया, जो कि उस समय दिल्ली का शासक था और उसका भी साम्राज्य बहुत ज़्यादा बड़ा था और शक्तिशाली शासक था। उसने शिवाजी के दमन के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। उसका मामा था शाइस्ता खां, इसका मामा
जिसका नाम था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां को बनाया दक्षिण का सूबेदार। ठीक है, दक्षिण का सूबेदार बनाया शाइस्ता खां को, और शाइस्ता खां ने शीघ्र ही पूना पर अधिकार कर लिया और वहीं से शिवाजी के विरुद्ध कार्रवाई का संचालन किया। शाइस्ता खां पूना के उसी महल में ठहरा हुआ था जहां पे शिवाजी ने अपना बचपन बिताया था। 15 अप्रैल 1663 की संध्या शिवाजी लगभग 1600 सैनिकों के साथ पूना पहुंचे। जब वे शाइस्ता खां के निवास स्थान के पास पहुंचे तो मुगल रक्षकों ने उन्हें टोका। शिवाजी ने उन्हें यह कहकर असावधान कर दिया कि वे मुगल सेना के ही मराठे सैनिक हैं, अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। अर्धरात्रि के समय शिवाजी अपने सैनिकों के साथ शाइस्ता खां के डेरे पर मारकाट आरंभ कर दी। शाइस्ता खां की एक उंगली कट गई, किंतु वह रात्रि के अंधकार का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। उसके एक पुत्र, 6 पत्नियां सहित अनेक मुगल सैनिक इस अभियान में मारे गए। औरंगजेब को जब इस अभियान की जानकारी मिली तो उसने क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने शाइस्ता खां को उसकी असफलता का दंड देने के अभ्यास से बंगाल भेज दिया। ये घटना हो गई। शाइस्ता खां पर भी जो है शिवाजी ने आक्रमण कर दिया 15 अप्रैल 1663, नोट कर लो, 1663 में, 1663 ईस्वी, शाइस्ता खां पर भी आक्रमण कर दिया और उसकी भी, उसको भी वहाँ से भागना पड़ा। शाइस्ता खां के बाद औरंगजेब ने शिवाजी के दमन के लिए साहिबजादा मुअज्जम और मारवाड़ के जसवंत सिंह को भेजा, किंतु वे इस उद्देश्य में असफल रहे। शिवाजी का हौसला बढ़ा, वे निर्भय होकर मुगल प्रदेशों में लूटमार करने लगे। जनवरी 1664 में उन्होंने सूरत के समृद्ध नगर को लूट लिया। इस लूट से शिवाजी को 1 करोड़ रुपए के आभूषण और रत्न हाथ लगे। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने गुजरात के सूरत को लूटा। गुजरात के उन्होंने सूरत जैसे समृद्ध शहर को उन्होंने लूटा और वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा सोने के आभूषण हाथ लगे, लगभग 1 करोड़ रुपए के आभूषण। जब औरंगजेब ने आमेर के कुशल कूटनीति के मिर्जा राजा जयसिंह के साथ सेनानायक दिलेर खां और ताज खां को भेजा, मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा कि हम उसे वर्त के घेरे की तरह बांध लेंगे। कूटनीति के जयसिंह ने शिवाजी के विरोधियों को नहीं अपितु प्रलोभन यानी लालच देकर अनेक मराठों को अपने पक्ष में कर लिया। मराठा राज्य पर आक्रमण करते हुए उन्होंने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। विवश होकर शिवाजी को 1665 में जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी। ये जरूर याद रखना, पुरंदर की संधि। कब हुई थी ये? जून 1665 किस किस के बीच में हुई? मिर्जा राजा जय सिंह जो कि जयपुर का था एवं शिवाजी के बीच। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन आता है, पुरंदर की संधि कब हुई, किसके बीच हुई? पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच हुई। और मिर्जा राजा जय सिंह जो उस समय किसके प्रतिनिधि थे? औरंगजेब के प्रतिनिधि थे। इस संधि के अनुसार उन्होंने 23 दुर्ग मुगलों के हवाले करने पड़े। आवश्यकता पड़ने पर बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता देने का आश्वासन दिया। शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया। इस संधि के समय फ्रांसीसी यात्री बर्नियर वहां पे मौजूद था। इस संधि की शर्त थी 23 दुर्ग शिवाजी जो है उन्होंने मुगलों को 23 दुर्ग देने पड़े, और बीजापुर के विरुद्ध सैन्य अभियान में भी सहायता देने का उनको आश्वासन देना पड़ा। लेकिन शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया। और ऐसी घटना की जानकारी हमें मिलती है, फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर, जिसकी किताब का नाम था, क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर। पहले लिखा दिया मैंने, फिर बताया है, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर की यात्रा वृतांत है उसका, उसमें लिखा हुआ है। संधि की धाराओं में स्पष्ट उल्लेख था कि शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद जय सिंह ने शिवाजी को आगरा चलने के लिए तैयार कर लिया। शिवाजी ने भी मुगल दरबार से संपर्क कर उत्तरी भारत की स्थिति को जानकारी के लिए अच्छा अवसर समझा। 1666 में शिवाजी आगरा के मुगल दरबार में उपस्थित हुए। औरंगजेब ने शिवाजी को उचित सम्मान न देकर उसके प्रति रूखा व्यवहार किया और मनसबदारों की तृतीय पंक्ति में खड़ा कर दिया। शिवाजी ने देखा कि जसवंत सिंह उनके सामने खड़ा है तो दुखी होकर उन्होंने कहा, जिस जसवंत सिंह की पीठ
मेरे सैनिकों ने देखी थी। मुझे उसके पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। दरबार में सम्मानजनक व्यवहार न मिलने पर नाराज शिवाजी वहाँ से राम सिंह के निवास पर लौट आए। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में बंदी बना लिया और मार डालने का निश्चय किया। इस गंभीर स्थिति में भी शिवाजी ने देर निक खोया और मुगलों की चंगुल से बच निकलने का उपाय खोजने लगे। शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया और हिंदू परंपरा के अनुसार दीन दुखियों को मिठाई फल आदि दान देना प्रारंभ कर दिया। प्रतिदिन बंदीगृह में मिठाई और फलों के टोकरे आने लगे। शुरू शुरू में तो पहरेदार टोकरों की गहन छानबीन करते थे, किंतु बाद में वो लापरवाह हो गए। अवसर देखकर शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ इन टोकरों में बैठकर बंदीगृह से बाहर निकलने में सफल हो गए। शिवाजी, इनके पुत्र का नाम था संभाजी। संभाजी के साथ वो औरंगजेब के उस बंदीगृह से निकलने में बाहर हो गए। उन्होंने बहाना बना लिया, भाई मैं बीमार हूँ और हिंदू परंपरा के अनुसार बीमार के कारण मैं जो फल और टोकरियाँ रोज़ गरीबों को दान करना चाहता हूँ। शुरू शुरू में टोकरियाँ आती, वो वापस बांटने के लिए बाहर निकलते। गहरा वहाँ पे पहरेदार चौकसी होती। धीरे धीरे जो वो है लापरवाह हो गए, तो उनको पता कि ठीक है रोज़ का काम है। एक दिन उन टोकरियों में बैठकर शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ बैठकर वहाँ से बाहर निकलने में सफल हो गए। बंदी जीवन के कठिन यात्रा के बाद शिवाजी का स्वास्थ्य काफ़ी गिर गया। उधर नया मुगल सूबेदार मुअज्जम आरा मतलबी आदमी था। उसका सहयोगी जसवंत सिंह शिवाजी से सहानुभूति रखता था। दोनों पक्ष इस समय विराम चाहते थे। 1667 में जसवंत सिंह की मध्यस्थता से मुगल मराठा संधि संपन्न हो गई, जिसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया, राजा की उपाधि दे दी। संधि के बावजूद औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध चाल चलने में बाज नहीं आया। इस कारण 1617 में शिवाजी ने सूरत को पुनः लूट लिया और अपने खोए हुए प्रदेशों पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो आज यही है। इसके बाद में इनका राज्याभिषेक, शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया 1674 में। इन्होंने राज्याभिषेक करवाया, ये ज़रूर आप नोट कर लीजिए। जून 1674 में राज्याभिषेक करवाया उन्होंने। जून 1674 में रायगढ़ में विधिवत तरीके से उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उन्होंने उपाधि धारण की, तो तब से उनका नाम हो गया छत्रपति शिवाजी। छत्रपति उपाधि से उनको नवाजा गया। तो ये शिवाजी के बारे में थे। अंतिम दिन चिंता में बीते। एक तरफ जो है उसके पुत्र संभाजी है वो मुगलों के वहाँ शरण में जाने से दुखी थे, और इस प्रकार अंत में उनकी जो पत्नी थी सोयरा बाई, वो अपने पुत्र राजाराम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। अंत में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। स्वतंत्र शासक के रूप में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु, ठीक है। तो ये थे शिवाजी, इनके बारे में, इनकी धार्मिक नीति के बारे में। ठीक है, धार्मिक नीति आप पढ़ लेना पेज नंबर 81 पे। ठीक है, अब अगले वाले वीडियो में जो है हम बात करेंगे पेशवा के बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। शिवाजी का राज्याभिषेक ये आप कॉपी में उतार लेना। जून 1674 में रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ और छत्रपति शिवाजी की उपाधि इनको मिली, और 1680 में शिवाजी की मृत्यु, 6 वर्ष के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, धन्यवाद।